नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंचीज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट पीनट चटनी। ये नाम थोड़ा डिफरेंट है और चटनी भी थोड़ी डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे एक कप रफली चॉप्ड कोकोनट यानी नारियल, और इसमें हम लेंगे एक चौथाई कप दालिया या फुटनी। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने, 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 कली लहसुन की और छोटा सा टुकड़ा इमली का, जिसमें कि बीज ना हो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें अब हम पानी डालेंगे करीब 1/4 कप और इसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और फिर हमें पानी डालना है जितनी कंसिस्टेंसी की चटनी हमें चाहिए अकॉर्डिंगली। मैंने यहाँ पर चटनी थोड़ी सी थिक रखी है। अब इस चटनी के लिए हम तैयार करेंगे टेम्परिंग। टेम्परिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड के दाने यानी सरसों के दाने। जब सरसों के दाने चटकने लगे तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून फुटनी या दालिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 या 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर, और इसे हम हल्का सेक लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 10 से 12 फ्रेश करी लीव्स या मीठे नीम के पत्ते, और इन्हें भी हल्का सेक लेंगे। इन्हें ओवर कुक नहीं करना है। अब इसे हम डाल देंगे चटनी के ऊपर और हमारी चटनी रेडी टू सर्व है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।